बच्चो एंड वेलकम टू दंडरफुल्स बच्चो ट्रेड इन इंडिया के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड क्या है इंटरनल ट्रेड क्या है क्योंकि ट्रेड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल ट्रेड तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज उसे हमने फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहा ना उसके डिफरेंट टाइप्स दैट इज़ इम्पोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड या इंटरपोर्ट ट्रेड वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन अवर कंट्री और स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो है वो किस तरह से हर कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज़ अवर मेन मोटो नाउ जब हम बात करते हैं ट्रेड की तो ट्रेड क्या है ट्रेड इज एन इंजन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एक कंट्री के लिए वो एक इंजन ग्रोथ की तरह काम करता है क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम को बूस्ट करने में जो हेल्प करता है वो है फॉरेन ट्रेड अब आप कहोगे ऐसा क्यों क्योंकि जब भी हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व रहते हैं यानी आवर इकानी इज़ अ ओपन इकानी वी आर इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड मार्केट हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं कहीं से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं कहीं पे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं जब हम इस तरह से फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों तो हमेशा इम्प्रूवमेंट होती है अपग्रेड होता है आपका रिसोर्स का प्लस आपके टेक्नोलॉजी का आपके मैनेजमेंट सिस्टम का आपके एडमिन का तरीका बदलता है प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है वो बढ़ता है तो हमेशा फ़ॉरेन ट्रेड अगर हम बात करें तो वो हर एक कंट्री के लिए एक इंजन की तरह काम करता है यानी अगर अपने देश को स्पीडर लेवल पे हायर लेवल पे बढ़ाना है आगे ग्रो करना है तो फॉर दैट सेक फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी मच हेल्पफुल बहुत हेल्प करता है क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारे बिजनेसमैन जो है दे विल ट्राई टू सेटिसफाई नॉट ओनली डोमेस्टिक वांट्स बट इंटरनेशनल वांट्स यानी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बियॉन्ड द डोमेस्टिक लेवल जाती है यानी फॉरेन ट्रेड हमारे बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी होती है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तो इकोनॉमी में होगी यानी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्री का होगा हो ही होगा तो आज हम देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टेंथ चैप्टर जो एट मार्क के लेवल को जो है वो सपोर्ट करता है यानी आज हम देखेंगे वॉट इज फॉरन ट्रेड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया जो जनरली एट मार्क के लिए पूछा जाता है या अगर ये क्वेश्चन अगर उन्होंने सपोज अगर एट मार्क के लिए क्वेश्चन आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिमिटेड है सपोज़ वहाँ पे नहीं आया तो शॉर्ट नोट में भी हम लोग एनी फाइव सिक्स उसके डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन कि फ़ॉरेन ट्रेड का रोल इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है तो इस क्वेश्चन को पहले पहले उन्होंने कहा वॉट इज़ फ़ॉरन ट्रेड अब पहले लिखेंगे फॉरेन ट्रेड क्या है तो फॉरेन ट्रेड क्या है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड का दूसरा नाम भी हमने डिस्कस किया था बच्चों एक्सटर्नल ट्रेड ओके हमने इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा था अच्छा यहाँ पर हमने वॉसर मैन और हल्ट मैन का भी एक डेफिनेशन कहा था वो आप मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हो वॉसर मैन और हल्ट मैन का कहना था इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट यानी इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द डिफरेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अलग 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 कंट्रीज़ के बीच में यानी उनके लोगों के बीच में जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसे हम क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड ओके okay, बच्चों अब आते हैं हमारा मेन क्वेश्चन जो उसने पूछा एक्सप्लेन द रोल रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड जब हम कहते हैं रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड या सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एनी वे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नाउ जब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड यू नो दैट हर कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डेवलप कंट्रीज़ को तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता ही करता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है तो उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इनके रिसोर्स का ऑप्टिमम एलोकेशन भी होता है यूटिलाइजेशन भी होता है तो डेवलप कंट्रीज़ को तो फ़ायदा पड़ता ही पड़ता है लेकिन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है जैसे पहला पहला है टू अर्न द फॉरन एक्सचेंज अभी यू नो दैट कि जब हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बराबर तो ये फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है हमारे कंट्री को टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज वो हमारे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज कमाने में मदद करता है क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने डील किया डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज़ हमारे पास हमारे पास यूरो है हमारे पास डॉलर्स हैं हमारे पास पाउंड है यानी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और जितने हमारे पास फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स हैं ज़्यादा हैं वही सब पैसे हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री यानी अगर हमारे पास हर एक कंट्री की करेंसीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें वहाँ से कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है वॉट एवर में भी वी कैन ईजिली डील बट क्योंकि हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं तो इसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास जमा होते हैं ड्यू टू फॉरन ट्रेड क्योंकि हम एक्सपोर्ट का हिस्सा हैं और जब हमारे पास हर देश की फॉरेन करेंसी है तो बट नेचुरल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पड़ेगा इससे हमारे इकोनॉमिक लेवल जो है वो तो बड़ा ही बड़ा लेकिन हमारा जो मार्केट है वो भी एक्सपांड होता है प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है क्लियर बच्चों सेकंड है टू तो इंकरेज द इन्वेस्टमेंट अब ये भी एक सेकंड इम्पॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस है फॉरेन ट्रेड का क्योंकि हमारे इकोनॉमी में जब बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे नाउ विल मूव टुवर्ड्स टू इंटरनेशनल लेवल यानी बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक लेवल अपने देश के लिए तो वो प्रोड्यूस करते ही करते थे लेकिन नाउ दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस फॉर फॉरन मार्केट जब वो उनके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल ज़्यादा मशीनरी ज़्यादा लेबर और उसके लिए उसके लिए क्या जरूरी है इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंकरेज होती है तो हमेशा फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारे बिजनेस को मोटिवेट करता है कि दे विल इन्वेस्ट देयर मोर रिसोर्सेज सो दैट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी शुड इंक्रीज यानी दे शुड प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक मार्केट प्लस फॉरन मार्केट वो अपने देश के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे और फॉरेन कंट्री के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे इससे हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज होता है तो इंकरेज मोर इन्वेस्टमेंट थर्ड डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन द बेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड जब हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ लेबर यानी स्किल्ड लेबर को हम अपॉइंट करते हैं एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशंसी क्योंकि जब हम एक लेबर को अपॉइंट करते हैं तो वो लेबर अगर काबिल है अगर लेबर आपका एफिशिएंट है टैलेंटेड है एक्सपीरियंस्ड है तो वो रिटर्न आपको ज़्यादा देगा आपको आउटकम ज़्यादा देगा और प्लस स्पेशलाइजेशन जो है उसका भी बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ फॉरन ट्रेड अब ये कैसे नाओ हर कंट्री के पास जो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी रहता है यानी जो रिसोर्स अवेलेबल रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं यानी कुछ कंट्रीज़ दे आर हैविंग द अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास लेबर ज़्यादा अवेलेबल है किसके पास कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है तो जो भी कंट्री के पास जो भी रिसोर्स अबेंडेंट अवेलेबल है अबेंडेंट यानी ज़्यादा जो उनके पास लार्ज लेवल पे अवेलेबल है तो जब उनके पास जो कैपिटल जो रिसोर्सेज अवेलेबल है बट नेचुरल, दे विल ट्राई टू तो यूटिलाइज दोज रिसोर्स इन अ बेस्ट वे उनको वो बेस्ट वे में यूज़ करेंगे जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलप कंट्रीज हैं, अब डेवलप कंट्रीज़ के पास क्या है कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है तो वही हमेशा कैपिटल को यूटिलाइज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन मेथड्स यानी उनके मेथड्स कौन से रहेंगे कैपिटल इंटेंसिव मेथड बराबर उनके पास टेक्नोलॉजी हमेशा सुपीरियर रहती है लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया में तो हमारे इंडिया में लेबर जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं तो बटा नेचुरल फिर उसी वे में वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं को हम एक्सपोर्ट करेंगे और वहीं से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी अर्न करेंगे तो हमेशा फॉरेन ट्रेड जो है वो डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को लीड करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करते हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल के लिए लैंड ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास लेबर ज़्यादा है और एग्रीकल्चर में हमारे बहुत सी पॉपुलेशन इंगेज भी है बराबर इसके लिए आपने देखा है हमारे कंट्री से बहुत सा एग्रीकल्चरल गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे हमने कहा राइस है जैसे हमने कहा जूट है या टी है हम ज़्यादा बहुत सारे एग्रीकल्चर स्पाइसेस हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं अब गल्फ़ कंट्रीज़ के बाद उतने बेटर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज़ नहीं हैं लेकिन उनके पास क्या है पेट्रोल है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है हमारे पास पेट्रोल की जो है वो शॉर्टेज है हम उनसे वो चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे पास है हम प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे टू तो अदर कंट्रीज़ तो हमेशा फ़ॉरेन ट्रेड की वजह से डिविज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर रिसोर्सिस को हमने बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर दिया और वही हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करके हमने वहाँ से फॉरेन करेंसी अर्न कर लिया और उसकी वजह से क्या हो जाता है लेबर जो है उसमें स्पेशलाइज भी हो जाता है नॉट ओनली सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कहें हम लोग जब फैब्रिक की बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें भी इंडिया जो है वो स्पेशलाइज है हमारा लेबर जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से एफिशेंटली यूटिलाइज होता है और वही प्रोडक्ट जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी वजह से हम देखते हैं फॉरन ट्रेड जो है इट विलीड टू डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ओके अच्छा इससे कनेक्टेड दूसरा फायदा भी रहता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ना फॉरेन ट्रेड की वजह से हम क्या देखते हैं हमें मिलता है डिविजन ऑफ लेबर प्लस स्पेशलाइजेशन यानी हम अपने लेबर को स्पेशलाइज करते हैं वही चीज़ें बार 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 वो प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा तो स्पेशलाइजेशन तो आ ही जाता है एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है नो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ये जो रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है दे आर प्रॉपरली यूज टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहां से रिटर्न हमें ज़्यादा यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने क्या देखा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे जब हमने अपने लेबर को स्पेशलाइज़ कर दिया प्लस आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया तो पता है आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और मिनिमम कॉस्ट की वजह से रिटर्न ज़्यादा होता है प्रॉफिट लेवल ज़्यादा होता है इसके लिए ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारे देश में जो रिसोर्सेज बेस्ट अवेलेबल हैं हम उनको प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ से रिटर्न हमको ज़्यादा हो जहाँ से इनकम ज़्यादा हो रिटर्न ज़्यादा हो प्रॉफ़िट ज़्यादा हो तो हमारे इकनॉमी में फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग होगी क्लियर बच्चों नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल अब ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है फ़ॉरेन ट्रेड का जब हम फ़ॉरेन ट्रेड देखते हैं तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारी इकनॉमी में स्टेबिलिटी आती है अब स्टेबिलिटी यानी एक ऐसी बैलेंस्ड पोजीशन जहाँ पे डिमांड ऑफ अ कंट्री और सप्लाई ऑफ अ कंट्री जो है वो इक्वलिब्रियम पोजीशन पे रहता है यानी बैलेंस पोजीशन पे रहता है और जब हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन रहती है और कनेक्टेड होती है विद द डिफ़रेंट कंट्रीज़ तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम देखते हैं कि सपोज़ कभी कभी हमारी इकोनॉमी में कुछ शॉर्टेज है जैसे मैंने अभी अभी कहा हमारे पास पेट्रोल की जो है वो शॉर्टेज रहती है क्योंकि उतने रिसोर्सेज हमारे इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या किया हमने वो रिसोर्स जो है बाहर से इम्पोर्ट कर लिया तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारे इकोनॉमी का डिमांड और सप्लाई क्या होता है बैलेंस्ड हो जाता है और प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है जो भी शॉर्ट फॉल होता है कभी कभी ऐसा भी रहता है हम ये पॉइंट भी करने वाले हैं जो एक इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है कि इट विल टाइम हेल्प टू रिड्यूस द फूड का शॉर्टेज कभी कभी ऐसा हो जाता है सपोज़ नेचुरल क्लामिटीज़ का अटैक हो गया जैसे हमने देखा था कि कुछ कंट्रीज़ में हैवी अर्थ को एक आया तो वहाँ पे बहुत से नेचुरल क्लामिटीज़ की वजह से फ़ूड का शॉर्टेज हो जाता है मेडिसिन का शॉर्टेज हो जाता है बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका शॉर्टेज हो जाता है तो अदर कंट्रीज़ जो है वो उन्हें सपोर्ट करती हैं तो इस तरह से फ़ॉरन ट्रेड की वजह से कभी कभी फूड के शॉर्टेज़ को भी रिड्यूस किया जाता है वैसे सपोज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे हमने कहा पेट्रोल है उसकी शॉर्टेजेस है हमने मंगा लिया लेकिन फूड की शॉर्टेज है सपोज कभी कभी ऐसा हुआ कि वीट की शॉर्टेज आ गई हमारे पास या सपोज कुछ रिसोर्सेज हैं ओनियन है उसकी शॉर्टेज हो गई तो हमने क्या कर लिया नेबरिंग कंट्री से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने क्या किया इम्पोर्ट कर लिया तो वो फूड की शॉर्टेज़ को भी रिड्यूस करने में मदद करता है आपका फॉरन ट्रेड तो प्राइस में स्टेबिलिटी लाना इसमें भी आपका फॉरेन ट्रेड आपको हेल्प करता है बैलेंस लाने में यानी आपकी इकोनॉमी का डिमांड और सप्लाई लेवल को इक्वल लेवल पे लेके आने की कोशिश करता है यानी इकोनॉमी में हमेशा एक बैलेंस एक स्टेबल प्राइस रहनी चाहिए अगर महंगाई बढ़ी है तो कम करने की कोशिश करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज तो स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल हम मेंटेन कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस अब ये भी बेनिफिट है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड से कनेक्टेड हैं यानी अलग अलग कंट्रीज़ की जो बिजनेसमैन हैं दे आल्सो ट्राई टू सेल देयर गुड्स इन अवर ओन कंट्री और जब हमारे कंट्री में अलग अलग देशों के अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल रहेंगे तो कस्टमर के पास क्या होगी मल्टीपल चॉइसेस यानी हमारे कंज्यूमर के लिए रहेंगी मल्टीपल चॉइस अब उसमें से उसे जो वैरायटी जो डिजाइन उसे अच्छी लगती है वो एज पर देयर ओन टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस वो परचेज करेगा तो बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है क्यों क्योंकि उसके पास मल्टीपल चॉइसेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है उसका ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है उसको बेटर क्वालिटी जो है वो मिल जाती है यानी हम देखते हैं जब हम फॉरेन ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो हमारे इकोनॉमी में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होती है बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ के बिजनेसमैन जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके हमारे मार्केट में हमारे कस्टमर्स को सेटिसफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एम्पल वैराटीज़ है ज़्यादा वैराटी है बेटर क्वालिटी है और आपको मालूम है अलग अलग जब कॉम्पटिशन होती है तो हर कोई प्राइस को कम करता है अब प्राइस कम क्वालिटी अच्छा किसको बेनिफिट मिला बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिला प्लस उसका ओवरऑल परचेजिंग पावर बढ़ा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसका इम्प्रूव हुआ तो इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस नेक्स्ट है इंक्रीज द गुडविल ऑफ अ कंट्री अब ये भी एक बेनिफिट रहता है क्योंकि जब फॉरन ट्रेड होता है तो हमारे कंट्री का गुडविल लेवल जो है वो बढ़ता है खास करके जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों को सेटिसफाई करती हैं इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को सेटिसफाई करती हैं तो उनका गुडविल मार्केट में बढ़ता है अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे जापान है जर्मनी है स्विट्ज़रलैंड है इनका गुडविल मार्केट में बहुत ज़्यादा है क्यों क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अवेलेबल है उनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है बहुत अच्छी है इसके लिए उनका मार्केट में बहुत गुडविल है अब ये सब चीज़ें अब जैसे इंडियन इकोनॉमी है हमारे यहाँ का रेडीमेड गारमेंट्स हो हमारी जो ज्वेलरी हो वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी उनका अच्छा रेपुटेशन और गुडविल मेंटेन है और स्पेशली कोरोना के बाद हमारी जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन हमारे इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिमांड की हमारी जो वैक्सीनेशन है जिसका एफिकेसी लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ तो बहुत से देशों ने हमारे इंडिया से वो जो वैक्सीन था वो डिमांड किया तो जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो गुडविल है वो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा इंक्रीज़ होता है बढ़ता है क्यों क्योंकि हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं उनके कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारे देश का गुडविल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है रेपुटेशन हाई होता है। क्लियर बच्चों नाउ अब ये सेवन पॉइंट्स जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एडेड सम न्यू पॉइंट्स मैंने कुछ और पॉइंट्स भी दिया हुआ आपने नोट्स में आप जो पॉइंट्स चाहो इजिली आप लिख सकती हो नाउ जैसे अभी से फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज द नेशनल इनकम अब जब फॉरन ट्रेड होता है तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है क्यों क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलेगी करेक्ट जब हमने ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डील किया हमने अपने देश के डोमेस्टिक वांट्स को भी सैटिस्फाई किया और इंटरनेशनल वांट्स को भी सैटिस्फाई किया दोनों को सेटिसफाई किया हमने फॉरेन से भी हैवी करेंसी जो है वो कमा लिया तो नेचुरल हमारे देश की ओवरऑल नेशनल इनकम जो है वो बढ़ी यानी इस फॉरेन ट्रेड की वजह से ओवरऑल देयर इज ग्रोथ ऑफ अवर करेंसी यानी हमारे देश का जी डी पी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ यानि हमारे इकनॉमी को फ़ायदा हुआ बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे इकोनॉमी को जो है वो फ़ायदा मिलता है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड देन है डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट फॉरेन ट्रेड आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है क्यों क्योंकि हमने देखा था आपकी इकनॉमी में फॉरेन ट्रेड इनक्रेज करती है इन्वेस्टमेंट को क्योंकि जब एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाता है क्योंकि उसे खाली डोमेस्टिक मार्केट के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करना है बच्चों इंटरनेशनल मार्केट के नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है उसने प्रोडक्शन बढ़ाया उसने फैक्ट्री का लेवल बढ़ाया उसमें मशीनरी ज़्यादा इंस्टॉल की तो लेबर भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जब ज़्यादा लेबर चाहिए यानी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ़ फॉरन ट्रेड तो फॉरन ट्रेड की वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वी रिक्वायर मोर नंबर ऑफ़ लेबर्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हुआ जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा यानी ऑटोमेटिकली पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगा आ फ़ायदा ये सब उसके जो हमें फ़ायदे हैं वो बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड हो रहे हैं नेक्स्ट है रिड्यूस द फूड का शॉर्टेज कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ूड का शॉर्टेज आया हैवी फ्लड्स आ गए अभी हमारे पास उतने अच्छा जो क्वांटिटी um, है वो सपोज फूड ग्रेन्स की अवेलेबल नहीं है तो समाइम वी विल ट्राई टू ब्रिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेस यानि इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज यानी फॉरिन ट्रेड आपके फूड के शॉर्टेज़ को भी सेटिस्फाई करता है नेक्स्ट है यूजफुल फॉर द वर्ल्ड पीस अब ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा जब हम जिन देशों के साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू मेनटेन द गुड रिलेशन विध दैट तो वर्ल्ड लेवल पे पीस हो हारमनी हो बहुत से अच्छे हेल्दी रिलेशन्स हो वो मेंटेन रहते हैं हमेशा एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को उनके प्रॉब्लम्स में उनके क्राइसिस में उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करती है तो हमेशा फ़ॉरेन ट्रेड की वजह से वर्ल्ड लेवल पे एक पीस हारमनी और यूनिटी बनी हुई रहती है जो हमेशा बहुत ही एक पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो वर्ल्ड के लिए लेके आती है क्योंकि इससे क्या होगा देश को दोनों देशों के बीच में झगड़ा खत्म हो जाएगा एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हेल्दी रिलेशन हेल्दी कॉम्पटिशन मेंटेन होती है और गवर्नमेंट के जो रिलेशन रहते हैं हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन के रहते हैं तो ऑलवेज फॉरेन ट्रेड जो रहता है इट इज़ यूजफुल टू मेंटेन द वर्ल्ड लेवल का पीस एंड हारमनी तो ये है इम्पॉर्टेंट हम लोग कहें बेनिफिट्स है या सिग्निफिकेंस है या रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन अवर इकोनॉमी इनमें से आप कोई भी एनी एट टू नाइन पॉइंट्स जो है वो आप इसमें लिख सकते हो ओके बच्चों तो जिस तरह से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया इन द सेम वे वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने अपने नोट्स में लिखा है ताकि इजीली आप ये पॉइंट्स जो हैं वो लिख पाओ ये क्वेश्चन एट मार्क के लिए पूछा जाए या फोर मार्क के लिए पूछा जाए अगर एट मार्क के लिए है तो एनी एट पॉइंट्स चार मार्क के लिए है तो एनी फोर टू फाइव पॉइंट्स जैसे पूछा जाए बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ओके बच्चों सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वॉन्ट माई हैंड रिटन नोट्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू